तो जी हाँ दोस्तों, ये है सन डायरेक्ट एचडी की ओर से एक एचडी सेट टॉप बॉक्स। तो चलिए सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स कुछ इस तरह से दोस्तों हमें मिला है, और सबसे पहले बॉक्स को यहाँ से हम कर लेंगे ओपन। तो दोस्तों बॉक्स ओपन करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यूज़र मैनुअल गाइड कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है, और इसमें कैसे कनेक्शन करना है ये सारी यहाँ पर चीज़ें दी हुई है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको रखते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें इसके सेट टॉप बॉक्स की, तो दोस्तों सेट टॉप बॉक्स कुछ इस तरह से पैकिंग में है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त ये सेट टॉप बॉक्स दोस्तों मुझे लग रहा है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी दोस्तों इसे देखने से ही मालूम पड़ रही है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये बॉक्स है मेटल बॉडी में दोस्तों ये बना हुआ है एचडी सेट टॉप बॉक्स, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सन डायरेक्ट एचडी का ब्रांडिंग किया हुआ है। आगे यहाँ पर डिस्प्ले दी गई है, यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पर दो बटन और दिए गए हैं। और दोस्तों ये फुल हाई डेफिनेशन सेटेलाइट रिसीवर है, इसके अंदर एचडी चैनल भी आप बड़े आराम से चला पाएंगे। इसके पीछे की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर पीछे LNB इन का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर USB का ऑप्शन पोर्ट मिल जाता है, HDMI का एक पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर AV इन का एक पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर 12 वोल्ट 1 एम्पियर से चलने वाला दोस्तों ये HD सेट टॉप बॉक्स है। वेंटिलेशन के लिए भी पीछे और यहाँ पर ऊपर काफ़ी अच्छी जगह छोड़ी गई है। और दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त जिंग सेट टॉप बॉक्स की अगर हम कंपेरिजन करें तो ये सेट टॉप बॉक्स मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आया है। अब इसके साथ कौन कौन से एसेसरीज आती है ये भी देख लेते हैं, तो इसको रखते हैं साइड में। तो दोस्तों इसके साथ हमें मिल जाता है एक एडेप्टर, जो कि 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एडेप्टर है, आप देख सकते हो यहाँ पर उसकी पिन टाइप रेगुलर हमें जो भी सेट टॉप बॉक्स के साथ मिलती है यही है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी सही है, आप देख सकते हो। और साथ में दोस्तों हमें मिल जाता है एक HDMI केबल, तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और इसका रिमोट दोस्तों कुछ इस तरह से मिल जाता है, ये है सन HD। और साथ में दोस्तों यहाँ पर हर जगह पर इसका 24 हेल्पलाइन नंबर जो है वो लिखे हुए, ताकि आपको कोई भी अगर परेशानी हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये आप देख लो यार, इसका रिमोट की क्वालिटी भी सही है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे रेगुलर जो भी आप फ्री डिश वाले सेट टॉप बॉक्स ले लेते हैं उसके अंदर मिल जाता है। और ट्रिपल ए साइज़ की दो बैटरी के साथ दोस्तों ये रिमोट आता है। अब चलिए दोस्तों इस सेट टॉप बॉक्स का TV के साथ कनेक्ट करके देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको अगर सन HD का सेटिंग नहीं किया हुआ है तो अपने डिश को 91 डिग्री पर सेट करना होगा। चलिए वो मैं थोड़ा सा आपको सिग्नल के सेटिंग करने के बारे में भी बता देता हूँ, उसके बाद ये सेट टॉप बॉक्स को इसके अंदर कौन कौन से चैनल आपको मिलेंगे इस पैकेज के अंदर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डिश का थोड़ा सा सेटिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिश अभी जो है वो DD फ्री डिश यानी कि 93.5 डिग्री ईस्ट पे सेट है। तो यहाँ पर आप इसकी फ्रीक्वेंसी देख सकते हो 11090 वर्टिकल 29,500, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए ये 93 डिग्री पर सेट है। लेकिन हमें यहाँ पर सन डायरेक्ट HD अगर ये सेटअप बॉक्स चलाना है तो डिश की पोजीशन थोड़ी सी चेंज करनी होगी, जो कि आप अगर वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आराम से कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये 93 है, तो थोड़ा सा डिश जो है वो इस साइड में आएगी और डिश थोड़ा सा ऊपर जाएगी। तो सेट कैसे करना है चलिए मैं यहाँ पर आपको मीटर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों सैटेलाइट जो है हम सन डायरेक्ट, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी 12,316। तो फ्रीक्वेंसी दोस्तों यहाँ पर 12,316 हॉरिजॉन्टल 30,000, ये फ्रीक्वेंसी आपको रखनी है। और यहाँ पर हमें सिग्नल मिलाना है, ठीक है। तो चलिए डिश को थोड़ा सा ही यहाँ पे मूव करेंगे हम। तो डिश को थोड़ा सा ही यहाँ पर हमें मूव करने की ज़रूरत है, ज़्यादा हिलाने नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से इसके सिग्नल आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको खास जो है MER यहाँ पर जो लिख के आ रहा है वो खास आपको यहाँ पर देखना है। अगर आप मीटर से डिश सेटिंग करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9.5 dB आ रहा है, तो ये आपको बढ़ाने होंगे ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम आपको 10 से ऊपर तो रहना ही चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते 13-14 हो रहा है, तो ये ओके है। यहाँ पर सिग्नल दोस्तों ज़्यादा मैटर इतना नहीं करता, लेकिन अगर आप DB जो है वो अच्छे से मिला लेंगे तो आपकी कोई भी डिश जो है वो सही तरह से सेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सन डायरेक्ट पर ये यानी कि 91.5 पर ये सेट हो चुका है। चलिए अब बॉक्स को ओपन करके सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने HDMI और डिश एंटेना केबल जो है यहाँ पर लगा दिया है,
अब यहाँ पर से 12 वोल्ट एडाप्टर को लगा के चले बॉक्स को ऑन करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बॉक्स और सेटिंग की बात तो कर ली, अब यहाँ पर बॉक्स को मैं कर रहा हूँ बूट, यानी कि यहाँ पर से हमारा बॉक्स जो है वो ऑन हो रहा है। दोस्तों बॉक्स शुरू होते हैं यहाँ पर कुछ सेकंड की यहाँ पर टाइम लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सन डायरेक्ट एचडी का लोगो, और यहाँ पर 100% होने के बाद हमारा बॉक्स जो है वो ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा बॉक्स ऑन हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों इस बॉक्स की कीमत के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों दो अलग अलग पैकेजेस के साथ ये बॉक्स अवेलेबल है मार्केट में। एक दोस्तों लगभग 1250 के आसपास एचडी पैकेज वाला ये बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर आप पूरा एचडी चैनल को बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। सारे एचडी चैनल का पैकेज दोस्तों साथ में मिलने वाला है 6 महीने के लिए। अब दूसरा एक दोस्तों पैकेज यहाँ पर मैं अभी ये बॉक्स आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर ये बॉक्स जो है वो आपको डीडी फ्रीडी से भी बहुत ही सस्ता बॉक्स आपको पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये लगभग 800 के आसपास ये बॉक्स आपको मिल जाएगा। और इस बॉक्स के अंदर दोस्तों आपको जो है वो डीडी फ्रीडी के सारे चैनल मिलेंगे, साथ में यहाँ पर दोस्तों जो भी फ्री वाले चैनल है जो कि फ्री लिख के आता है वो सारे चैनल आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है वो 6 मंथ तक ये सारा पैकेज मिल रहा है, और उसके बाद आपको हर मंथ आपको 59 का अगर आप NCF पैकेज बना लेते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी चैनल ऐड करना हो, मान लो कि कोई चैनल 1 रुपये वाला है, कोई चैनल 5 रुपये वाला है, तो उसी प्राइस में आप चैनल को चला पाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको अलग से हर एक चैनल के लिए NCF चार्ज चुकाना पड़ेगा, जैसे जिंग में हम 10 रुपये चार्ज चुकाना पड़ता है, कोई भी एक चैनल हो तो एक चैनल का 10 रुपये प्लस GST चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो ये बेनिफिट है कि NCF पैकेज एक आप बनाना है आपको 59 का एक मंथ के लिए आपको, और वो भी 6 महीने के बाद, 6 मंथ तक तो दोस्तों आपका ये बॉक्स ये पूरी तरह से इस तरह से चलने वाला है, ठीक है। आगे जाके आपको हर मंथ का एक ऐसा पैकेज बना सकते हो जिसके अंदर आपको जो भी चैनल चाहिए वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, और कोई भी चैनल एडिशनल ऐड करना है तो आप अपने हिसाब से जितने पैसे है उसमें रेट है उतने ही आपको देने होंगे और चैनल आपकी चल पड़ेगी। तो दोस्तों ये फ़ायदा है इस सेटअप बॉक्स का। और सन एचडी का ये सेटअप बॉक्स धमाकेदार क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ही सही है, वॉइस क्वालिटी भी दोस्तों इसकी बहुत ही मुझे सही लगी है। और जिंक से दोस्तों ये बेहतर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एडिशनल जो आपको NCF चार्ज हर एक चैनल के लिए देना पड़ता है वो यहाँ पर आपको नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इस बॉक्स को कहाँ से खरीदे, तो आप अपने लोकल मार्केट में दोस्तों देख सकते हो, अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमारी व्हाट्सअप पर भी बातचीत कर सकते हो। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये बॉक्स मिल पाए। अगर आपको ये बॉक्स पसंद आता है तो ज़रूर से आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो हमारा ऑफिशियल जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर आप पूरी डिटेल के साथ बातचीत कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सन एचडी पैकेज वाला ये एचडी सेटअप बॉक्स का रिव्यू प्लस डी सेटिंग और साथ में पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल को जरूर से दबाइए, और गिव में पार्टिसिपेट करने के लिए प्यारा सा कमेंट जरूर से करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।